हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सूट की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी और इस कढ़ाई वाले गले को मैं आपको बनाना बताऊंगी किस तरह से आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहले जो है हम अपना बैक वाला जो पार्ट है इसका गला बना के तैयार करेंगे। तो इसका गला बनाने के लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली है। इस तिरछी पट्टी को आपको इस तरह से लगाना। देखिए, पहले ये जो मेरा फ्रंट वाला पार्ट है इसे मैं नीचे की तरफ को फोल्ड कर देती हूँ और ये जो इसका गला है बैक वाले पार्ट का, इसके ऊपर आपको तिरछी पट्टी को डबल में फोल्ड करके इस तरह से रखना है, सिलाई लगा देनी है। फिर इसी तरह से रखना है, सिलाई लगा देनी है। तिरछी पट्टी आपको इसके पूरे गले के ऊपर लगा देनी है। फिर आपको इस तिरछी पट्टी को पीछे की तरफ को पलट देना है और इस तरह से आपको सिलाई लगा देनी है। आगे की तरफ को आपको लगानी है, पीछे की तरफ को आपको पलट देनी है। मैं आपको मशीन पर लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए जी, हमारी तिरछी पट्टी जो है लग चुकी है। उसके बाद में जितनी भी एक्स्ट्रा तिरछी पट्टी है उसे आपको कट कर देना है और इसके अंदर आपको कट लगा देने हैं ताकि जब हम इसे पीछे की तरफ को पलटें तो उस तिरछी पट्टी के अंदर बिल्कुल भी झोल ना आए। काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारा गला बनके तैयार हो। देखिए, इस तरह से आपको इसे पीछे की तरफ को पलट देना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। हमारा बैक वाला जो गला है वो बनके तैयार हो चुका है। उसके बाद में आपको फ्रंट वाला गला जो है वो बना के तैयार करना है। तो फ्रंट वाला गला बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। जो इस कपड़े की लंबाई है मैं आपको वो नाप के दिखाती हूँ। देखिए, वो 13 इंच है और जो इस कपड़े की चौड़ाई है वो 9 इंच है। आपको अगर इस गले की चौड़ाई कम करनी है, अगर आपको चौड़ाई ज़्यादा लग रही है तो आपको वो बीच से कम करनी है। इस तरह से आपको बिल्कुल बीच में से इसे पकड़ना है और डबल में आपको फोल्ड कर देना है। आपके गले की जो कढ़ाई है बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ। आप 1/2 इंच तक इसके गले की चौड़ाई कम कर सकते हैं। इस तरह से निशान लगाना है और नीचे आपको 1.5 इंच पहले ही इस निशान को मिला देना है। आप इसके अंदर इस तरह से सिलाई लगा दोगे तो इसकी चौड़ाई जो है वो 1/2 इंच तक कम हो जाएगी। उसके बाद में आपको इस कपड़े को इसके ऊपर रखना है, गले के ऊपर। पहले आप दोनों साइडों में 1-1 कच्ची सिलाई लगा दें। उसके बाद में देखिए, जिस तरह से हमारा गला बनना है सेम हमें इसी तरह से इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। पर मैं आपको फिर भी एक बार चौक से निशान लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपके समझ में और अच्छे से आ जाए, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो देखिए, मैं यहाँ पे किनारी से हल्का सा कपड़ा छोड़ के चौक से निशान लगा रही हूँ। 1/2 इंच से भी कम कपड़ा छोड़ा है मैंने यहाँ पर। और देखिए, इस तरह से जिस तरह से हमारा गला बनना है इसी तरह से मैं चौक से इसके अंदर निशान लगा दूँगी ताकि सिलाई लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो हमें। फिर आपको इस निशान पे इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। देखिए जी, सबसे पहले हम गले की चौड़ाई कम करेंगे। यही 1.5 इंच पहले ही हम सिलाई को निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में आपको इस वाले कपड़े को इसके ऊपर रखना है। ये जो हमारा गला है सीधी साइड को आपको इस कपड़े को रखना है और दोनों तरफ आपको 1-1 कच्ची सिलाई लगानी है। मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, दोनों साइडों में कच्ची सिलाई लगानी है आपको। हमारी एक साइड में सिलाई लग चुकी है। फिर सेम इसी तरह से आपको कपड़े को देख लेना है, बिल्कुल इकसार करके, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। और सेम इसी तरह से आपको इस वाली साइड में भी सिलाई लगा देनी है ताकि जब हम गले पे सिलाई लगाएं तो हमारा कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। तो देखिए, मैंने इसकी दोनों साइडों में सिलाई लगा दी है। उसके बाद में जो हमने निशान लगाए थे गले के ऊपर, इसी निशान पर आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको इसकी कटिंग कर देनी है। सिलाई से बस आपको 1/2 इंच से भी कम कपड़े को छोड़ना है। बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपको सारा कट कर देना है। फिर आपको इसके अंदर कट लगा देने हैं ताकि जब हम इसे पीछे की तरफ को पलटें इसके अंदर बिल्कुल भी झोल ना आए। और यहाँ पर जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी वो सिलाई आपको उधेड़ देनी है। इस साइड की भी आपको सिलाई उधेड़ देनी है, हमने दोनों साइडों में लगाई थी। उसके बाद में आपको ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे आपको कट कर देना है। इसे आपको सिर्फ 1.5 इंच तक ही रखना है। 1.5 इंच से जितना भी ज़्यादा कपड़ा है वो आपको कट कर देना है। ये कपड़ा देखिए कट हो चुका है। उसके बाद में आपको इसे पीछे की तरफ को पलटना है। देखिए, इस तरह से पलटना है। पहले थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है
फिर इसे इस तरह से डबल में फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। मैं आपको मशीन पे सिलाई लगा के दिखाती हूँ। हमारा फ्रंट वाला जो गला है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखिए। उसके बाद में आपको बैक वाले पार्ट को लेना है, दोनों को इस तरह से मिला के रखना है कि दोनों के सीधे साइड एक तरफ का है और इसके जो शोल्डर हैं ये आपको आपस में अटैच कर देने हैं। दोनों शोल्डर को बिल्कुल मिला के रखना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। मैंने इसके दोनों शोल्डर आपस में अटैच कर दिए हैं। शोल्डर आपस में अटैच करने के बाद आपको इसके अंदर बाजू अटैच करनी है। बाजू अटैच करते वक्त आपको ध्यान रखना है बाजू के जो गोलाई वाला हिस्सा है वो आपका फ्रंट वाले गले की तरफ को आना चाहिए। आपको इस तरह से दोनों कपड़ों को मिला के पकड़ना है, सिलाई लगा देनी है, फिर दोबारा मिला के पकड़ना है, सिलाई लगा देनी है। एक साइड में बाजू अटैच करने के बाद आपको फिर दोबारा बीच बीच में आना है, दूसरी साइड में भी आपको इसी तरह से दोनों कपड़ों को मिला के पकड़ना है और आपको सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से आपको इस वाले आर्म होल के अंदर भी बाजू अटैच करनी है। मैं आपको मशीन पे लगा के दिखाती हूँ। देखिए मैंने एक साइड में तो ये बाजू लगा दिया, उसके बाद में फिर दोबारा आपको यहाँ पे आना है बीच बीच में जो हमने कट लगाया था बाजू के अंदर, और फिर दोबारा आपको यहीं से सिलाई लेके जानी है दूसरी वाली साइड में। अगर आप एक साथ बाजू लगाओगे तो आपकी बाजू में झोल आ जाएगा, इसीलिए आपको पहले बीच में से एक साइड में लगानी है, फिर दोबारा बीच में आना है, फिर आपको दूसरी वाली साइड में सिलाई लेके जानी है। इस तरह से आपकी बाजू काफ़ी फिनिशिंग के साथ लग जाएंगी और बिल्कुल भी झोल नहीं आने का है। तो देखिए हमारी बाजू जो है वो दोनों साइडों में लग चुकी हैं आर्म होल के अंदर। फिर आपको इसकी मोहरी फोल्ड कर देनी है। पहले आपको थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है, फिर आपको डबल में इसे फोल्ड कर देना है और उसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। तो हमारी एक मोहरी फोल्ड हो चुकी है बाजू की। सेम इसी तरह से आपको इसकी दूसरी वाली जो मोहरी है उसे भी आपको फोल्ड कर देना है। तो देखिए हमारी जो हैं दोनों मोहरी बाजू की जो हैं वो फोल्ड हो चुकी हैं। उसके बाद में देखिए हमें इसकी फिटिंग करनी है। तो हमारी एक साइड में निशान पहले से ही लगे हुए हैं, जब हमने इसकी कटिंग करी थी तो हमने कटिंग के वक्त जो निशान लगाए थे वही निशान लगे हुए हैं। तो मैं इस साइड में निशान नहीं लगाऊंगी, इस साइड के निशान हम नाप लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड में भी निशान लगा देंगे। आपको इसके आर्म होल की सिलाई पे इंची टेप को रखना है और इसके चाक नापने हैं कि कितने इंच पे आ रहे हैं। तो ये देखिए इसके चाक का निशान है, तो इसके चाक की जो लंबाई है वो 13 इंच है। सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड में भी 13 इंच के निशान लगा देंगे और 1.5 इंच का मार्जिन निकाल देंगे। मैंने कटिंग के वक्त जो इसकी मोहरी रखी थी वो मैंने रखी थी 5 इंच की, तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाऊंगी और मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो मैं वो 1.5 इंच का मार्जिन निकाल दूंगी। अगर आपने कटिंग के वक्त 2 इंच का मार्जिन लिया है तो आप वो 2 इंच का मार्जिन निकाल दें। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है निशान लगाने का। फिर ये जो इसके आर्म होल की सिलाई है यहाँ पे आपको इंची टेप को रखना है। हमारी दूसरी वाली साइड में जो चाक की लंबाई है वो 13 इंच पे आ रही है, तो हम इस वाली साइड में भी 13 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए ये देखिए रहा 13 इंच, मैं यहाँ पे निशान लगा दूंगी। फिर यहाँ पे भी आपको 1.5 इंच का मार्जिन निकाल देना है। इस पूरे कपड़े के अंदर आपको 1.5 इंच पे निशान लगाने हैं, मार्जिन जितना भी है वो निकाल देना है। फिर देखिए इन निशानों को मैं आपस में मिला दूंगी। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है निशान लगाने का। फिर आपको इन निशानों पे इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। हमारे चाक का निशान आ चुका है, ये देखिए एरा। मैं यहाँ तक सिलाई को लाऊंगी और यहाँ से 1 इंच तक सिलाई को वापस ले जाऊंगी ताकि हमारे चाक अच्छे से अटैच हो जाए और सिलाई बाद में निकले ना। फिर आपको दूसरी वाली साइड में भी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। मैंने इसके लिए दोनों साइडों में फिटिंग की सिलाई लगा दी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपको इसका घेरा फोल्ड करना है। तो मैंने जो इसकी कटिंग के वक्त मार्जिन लिया था लंबाई में वो मैंने 3 इंच का लिया था, 1/2 इंच तो मेरा शोल्डर अटैच करने में चला गया कपड़ा, बचा 2.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी।
यहाँ भी मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये निशान आपको सीधी तरफ को लगाने हैं ताकि जब हम इसका घेरा फोल्ड करें तो हमें पता चल सके कि हमें कितने कपड़े को फोल्ड करना है। फिर इन निशानों को मैं आपस में मिला दूंगी जो मैंने ये 2.5 इंच पे लगाए हैं ताकि अच्छे से पता चल सके। सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड में भी आपको निशान लगाना है 2.5 इंच पे। मैंने साइड में भी निशान लगा दिया है। फिर आपको इसे देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। पहले थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है, फिर इस तरह से आपको इतने कपड़े को फोल्ड करना है कि आपका निशान जो है वो दिखे। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा आपको कितने कपड़े को फोल्ड करना है, आपका निशान दिखेगा जो आपने 2.5 इंच पे लगाया है। तो मैंने एक तरफ का घेरा इसका फोल्ड कर दिया है। सेम इसी तरह से आपको इसका दूसरी वाली साइड का भी घेरा जो है वो फोल्ड कर देना है। फिर आपको इसके चाक फोल्ड करने हैं। तो चाक फोल्ड करने के लिए आपको मार्जिन निकाल देना है। जितना भी आपने कटिंग के वक्त मार्जिन लिया था तो आपको यहाँ से चाक फोल्ड करने हैं। मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था तो मैं 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड कर दूंगी और इस तरह से आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। तो हमारी सिलाई जो है वो यहाँ तक आ चुकी है, चाक तक। यहाँ से आपको दूसरी वाली साइड के जो चाक हैं यहाँ सिलाई लेके जानी है। देखिए इससे काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी आपके चाक के अंदर और एक ही बार में आपके दोनों चाक फोल्ड हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है। देखिए हमारे एक साइड के चाक जो हैं वो फोल्ड हो चुके हैं। सेम इसी तरह से आपको दूसरी वाली साइड के जो चाक हैं वो भी आपको फोल्ड कर देने हैं। हमारा सूट जो है सिल के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपको अब भी कोई भी दिक्कत है फिटिंग करने में या सूट को सिलने में या गला बनाने में किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट में और भी ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके की सिलाई की वीडियो मिलती रहे।